जिले में किशोर बालक एवं बालिकाओं को टिटनस एवं डिप्थीरिया से बचाव के लिए चलाया जाएगा टीकाकरण अभियान। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय शर्मा और जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर केसी परमार ने बताया कि डिप्थीरिया के बढ़ते हुए प्रकरण को देखते हुए 5, 10 एवं 16 वर्ष के किशोर बालक बालिकाओं को टिटनस एवं एडल्ट डिप्थीरिया से बचाने के लिए प्रदेश के साथ साथ उज्जैन जिले में 16 अगस्त से 31 अगस्त तक टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। ये टीका लगवाना जरूरी है। इसमें स्कूली शिक्षा विभाग की मदद भी ली जा रही है। आपने सभी स्कूल संचालकों और पालकों से इस अभियान में सहयोग देने की अपील की है। आया है कि जिन लोगों को डिप्थीरिया या गलघोटू नहीं होता था उन लोगों को भी होने लगा है, तो और आज की तारीख में गलघोटू के लिए कोई दवाई उपलब्ध नहीं है सिवाय वैक्सीन के, और वैक्सीन हमारे पास है जो कि रामबाण है। तो शासन ने निर्णय लिया है कि इसकी महामारी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये अभियान जो TD और DPT का चलाया जा रहा है, और इसमें इसके माध्यम से हम बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो ये एक अच्छा अवसर है। तो मैं जनसामान्य और अभिभावकों से निवेदन करना चाहूँगा कि 5 साल, 10 साल और 16 साल के जो बच्चे हैं उनको, 5 साल तक के बच्चे को DPT तथा 10 साल और 16 साल के बच्चों को TD का इंजेक्शन या वैक्सीन जरूर लगवाएं, जिससे उनके भविष्य को हम सुरक्षित कर सकें और प्रदेश को महामारी से बचा सकें। आज से DPT-TD टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है जो 16 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगा, जिसमें 5 वर्ष, 10 वर्ष और 16 वर्ष के बच्चों को DPT और या TD का टीका लगाया जाएगा, जिससे कि टिटनस और डिप्थीरिया से बचाव हो सकेगा। 1 सप्ताह तक स्कूलों में और आंगनवाड़ियों में इसका टीकाकरण किया जाएगा, और जो शाला त्यागी बच्चे हैं इस उम्र के उनका टीकाकरण अगले सप्ताह में, 1 सप्ताह में उनका पूरा किया जाएगा। इस तरीके से ये टीके लगाने से इस उम्र के बच्चे टिटनेस और डिप्थीरिया से बचाव उनका हो सकता है।